नमस्कार दर्शकों, मैं अंश शर्मा लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ज्ञानी तड़का बाय कपिल शर्मा में हाउ टू सॉल्व एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आइए हम देखते हैं आज की हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व करनी है। ये देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि डिटरमाइन तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन को हमें फैक्टर बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल रखें। तो एक्स की वैल्यू हो गई माइनस वन। और अब हमें अगर हम लोगों ने x प्लस वन को जीरो के इक्वल रखा है तो हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को भी जीरो के इक्वल रखना होगा। देखिए, अब अगर हम x की प्लेस पर माइनस वन की वैल्यू ऐड करते हैं और अगर हमारा आंसर जीरो के इक्वल आता है तो x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर नहीं तो नहीं। तो माइनस वन का क्यूब तो अब देखिए, अब हम लोग अगर इसे पूरी तरह से खोलेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस एंड प्लस, तो प्लस वन अगेन माइनस वन एंड प्लस वन। सो प्लस वन प्लस वन टू प्लस टू एंड माइनस वन माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। जीरो हमेशा साथ में चलेगा और माइनस टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो अब एक बार इसका रिकैप हो जाए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हमें बताना ही कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हमने x प्लस वन को जीरो के इक्वल रखा तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू माइनस वन। जब हम लोगों ने x की प्लेस पर माइनस वन पुट करा और उसे हम जब ने और हमें हमने उसे भी जीरो के इक्वल रखा क्योंकि हमने x प्लस वन को भी जीरो के इक्वल रखा था। तो जब हमने ये पूरा सॉल्यूशन किया उसके बाद हमारा आंसर जीरो इक्वल्स टू जीरो आया। तो इसका मतलब ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का फैक्टर x प्लस वन है। तो वी एट लास्ट वी कैन राइट दैट एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ नाउ क्वेश्चन नंबर टू। अगेन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। नाउ वी कैन टेक इट एज एफ एक्स की प्लेस पर माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन टू रेज टू द पावर फोर प्लस माइनस वन रेज टू द पावर क्यूब प्लस माइनस वन रेज टू द पावर टू प्लस माइनस वन एंड प्लस वन। देन माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू प्लस सॉरी
इस पूरे पॉलिनोमियल को भी अगर हम जीरो की इक्वल रखना चाहें तो रख सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं रख सकते। थ्री माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो x plus 1 is not a factor. Great. पिछली वीडियो की ही तरह हमने x plus 1 को 0 के इक्वल रखा तो हमारा आंसर आया माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो जब हमने इसे पूरी तरह से खोला तो हमारे पास आ गया प्लस 1, माइनस 1, प्लस 1, माइनस 1 एंड प्लस 1। तो जब हम लोगों ने प्लस प्लस हमेशा हमें ये रूल याद रखना चाहिए मैथ्स में कि प्लस प्लस के डिजिट्स जोड़ते हैं और माइनस माइनस के डिजिट्स जोड़ते हैं। तो हमने प्लस के डिजिट्स को जोड़ा तो वो 3 आया, और जब हमने माइनस के डिजिट्स को जोड़ा तो वो 2 माइनस 2 आया, सो इक्वल्स टू 0। तो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2 इट विल कम 1, सो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टराइज। दोस्तों अगर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सीख रहे हैं तो हमें फैक्टराइज के बारे में सीखना ज़रूरी है। फर्स्टली एक क्वेश्चन में फैक्टराइज का सॉल्व करना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन है 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अब हमें इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर जो डिजिट्स हमारे पास आएंगे अगर हम उन्हें प्लस करें तो उनका आंसर 7 आना चाहिए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 12 आना चाहिए। यही फैक्टराइज का रूल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12, और जब हम 12 का अगर यहाँ पर वो एलसीएम लेकर देखेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। चार 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 1। 4 प्लस 3 is equals to 7, and if we will multiply it then it will come 12. Now see here square factorize karenge to 12 ki 2 common aayega, to in dono mein se 4 common aa jayega, iske paas x square hai aur yahan par x hai, hum logon ne 4x common liya to bacha yahan par andar 3x। start to 4x देन 3x, इसमें से कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 3x प्लस प्लस 1 इसमें से, और जब हम लोगों ने यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी यहाँ पर प्लस का साइन है तो अब हम लोग इन दोनों में से देखेंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बिकॉज 3 और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने यहाँ पर 1 को कॉमन लिया और अंदर हमारे पास बचा 3x प्लस 1, तो हमारा आंसर आया 4x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1। नहीं जीरो स्टार्ट। अभी ये जो अभी तक आप सम्स देख रहे थे ये सम्स कोई हाई लेवल के नहीं है। मैं एक 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको अभी जो सम्स बता रहा हूँ वो 9th क्लास तक के स्टैंडर्ड के ही हैं। अब मैं फैक्टराइज से ही रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन करूँगा। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो 3 टू जा 6 बट 6 वी विल नॉट राइट, सो 6 देन 6 टू 3 जा 6 एंड 3 वन जा 3। स्टॉप। यू कैन सी दैट
अब हमें 3 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमें 7 लाना है. तो देखिए यहाँ पर 2x² प्लस 6x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो x इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा और 2 और इसमें से 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास अंदर बचेगा 3x प्लस 1 और प्लस लगाकर 1 और 3 में से फिर से कुछ कॉमन नहीं आएगा. ये एक्चुअली यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर x आना चाहिए. तो x और 3 में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन लिया और यहाँ पर आ गया x प्लस 3. 2x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए. कर दिया. सॉरी, वो यहाँ पर x प्लस 3 आना चाहिए. वो थोड़ा सा सॉल्यूशन में, जैसे मैं भी एक नाइन क्लास का स्टूडेंट हूँ, सभी से सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो मुझसे भी यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो चुकी है. अब हम दोनों के यहाँ पर फैक्टर्स कॉमन आ गए तो यहाँ पर भी हमारा आएगा x प्लस 3. हम लोगों ने इस पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कर दिया और ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ गए. अब एक लास्ट वाला ये है, एक्स की वैल्यू निकाल रहा है. ठीक है, हाँ ओके, ठीक है सर. ठीक है, अब है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा.